हाय हेलो एवरीवन, आई विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। जैसा कि आपको पता है, जीवेंस का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ दुखी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं क्राइटेरिया क्या रहा है जिसकी वजह से आपकी रैंक अच्छी आई या खराब आई। पहले होता था कि मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस सीक्वेंस में अगर दिए जाते थे रैंक को। अगर मान लीजिए तीनों में नंबर बराबर हैं, तो फिर उस कंडीशन में जिसने ज़्यादा गलत किए हैं उनको दिया जाता था कम, और जिसने ज़्यादा सही किया उसको ज़्यादा रैंक। लेकिन उसके बाद अगर इसमें भी टाई होता है, तो फिर अब डेट ऑफ बर्थ से दिया जाता था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम है उसको रैंक अच्छी। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका ये तीनों क्राइटेरिया भी बराबर हो गए, तो फिर उस कंडीशन में जो चौथा क्राइटेरिया निकाला इस बार उन्होंने, कि जिसका फॉर्म पहले सबमिट हुआ था जेई मेंस का, वो रैंक में आगे आया है। तो आपसे सबसे निवेदन है कि इस बार जेई मेंस का जो फॉर्म भरे बच्चे, तो सबसे पहले भरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपकी रैंक पीछे चली जाए। ये एक नया क्राइटेरिया एड हुआ है जेई मेंस के अंदर, तो आप जितने भी जेई स्टूडेंट से प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? आशा करता हूं कि आप इस गलती को नहीं करेंगे।